ओके, तो टाइम हो रहा अभी सुबह का 8:45, 9 बजने वाला है। बाकी हम लोग उठ गए थे सुबह 7 बजे और चाय वगैरह पी, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारी चल रही है पैकिंग, और लगभग लगभग पैकिंग हो ही गई है। बाकी नज़ारा यहाँ को सुबह सुबह का है कुछ ऐसा। यह है हमारे होटल का फ्रंट। तो बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। वैसे तो हमने सोचा था सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, पर यह चाय वगैरह पीते हुए हमें थोड़ा पैकिंग वगैरह करते हुए टाइम लग ही गया। एक्चुअली यहाँ पे सुबह दुकानें खुली नहीं थी चाय के लिए, हम थोड़ा आगे गए थे दुकान पे, और बस फिर ये पैकिंग वगैरह करते हुए फ्रेश होते हुए बज गए हैं 8:45 और निकलते हैं यहाँ से 9 बजे तक। तो हो गए हम लोग रेडी, सामान वगैरह सब बांध दिया है बाइक में, और निकलते हैं अब यहाँ से नीति की तरफ। जोशी मठ होते हुए जाना पड़ेगा। चलें? चलो जी चलते हैं फिर। और ये हमारा पहला ट्रिप है निशांत भाई के संग। मजा लगता है, मजा आने वाला है। ये चीज़ भाई ने सही कर रखी है, साइलेंसर मेन वाला हटा के दूसरा वाला लगाया है, और दोनों साइड सैडल बैग लटक सकते हैं इसमें सही से। मेरे को थोड़ा साइलेंसर वगैरह बदलवाने का वो नहीं है ना शौक, तो सबसे पहले डलाते हैं पेट्रोल। क्या कौन? अरे नहीं, आगे डला लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल वाला पेट्रोल नहीं मिला, इसलिए आगे से कहीं डला लेंगे। जोशीमठ लास्ट है पेट्रोल पंप, उसके बाद नहीं मिलते हैं, तो हम लोग यहीं कहीं रास्ते से डलाते हुए चलेंगे। वैसे तो पेट्रोल बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से तो पूरा ट्रिप भी हो जाएगा वहाँ से, नीति से वापस आ सकते हैं, बट फिर भी डला लेते हैं क्योंकि आगे पेट्रोल नहीं है। भीमतला सुबह सुबह का ठंडा है, बढ़िया सा मज़ा आ रहा है। फुल पैक हो रखे हैं तो इतना ठंडा लग नहीं रहा है। धूप आने लगी है उस साइड, अब इस साइड पता नहीं कब आएगी। खैर हम पहुंचने वाले हैं शायद धूप में। सुबह सुबह रोड ये गीली ओस से हो रखी है। ए अब आई धूप, आहा कितना अच्छा लग रहा है धूप देखकर, महसूस कर कर। और ये जगह, ये कोई बिरड़ी ना बिरही, बिरही। ए मजा आ रहा है सुबह सुबह ठंडे में। तो पेट्रोल डला लेते हैं, तो डलवा लिया पेट्रोल। बढ़ रहे हैं आगे को। निशांत भाई के उसमें आया है 1021 रुपये का, और मेरे उसमें आया 600 रुपये का। टैंक फुल हो गए हैं दोनों के, और अब चलते रहेंगे नीति के लिए। ये आई छोटी सी सुरंग। तो यहाँ पे रुके हम लोग नाश्ते के लिए, यहाँ पे आलू पराठा और चाय वगैरह लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ से आगे। ये है यहाँ से कुछ बढ़िया सा व्यू बाहर का। तो ये आ गए हमारे पराठे और चाय, नाश्ता करते हैं फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे। चलो जी निकलते हैं हम यहाँ से, हो गया हमारा नाश्ता वगैरह। और ये बड़े हम जोशीमठ के लिए।
ये आ गया देखो सामने होटल इंदर पैलेस, यहीं से जाता है कल्पेश्वर के लिए रास्ता। और ये बढ़िया सा ब्रिज धूप के साथ। तो ये पहुंच गए हम जोशी मठ। अब यहाँ से नीति के लिए कटेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सामान लेना है कैंपिंग के लिए खाने का। तो ये आ गए हम जोशी मठ के मार्केट में, आगे कहीं से सामान लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे को। तो जी ये जोशी मठ से हमने सारा सामान वगैरह ले लिया खाने पीने का। अब ये यहाँ से बढ़ जाएंगे हम ऊपर को नीति के लिए, और ये नीचे को जा रहा है बद्रीनाथ। मलारी 62, नीति 85। मलारी यहाँ से 62 है, नीति 85। तो ये आ गए हम जोशीमठ से आगे नीति मलारी वाली रोड पर, और देखो यहाँ से नज़ारे बदलने लगे हैं। वो सामने दिख रहे हैं बर्फ़ वाले पहाड़, इसका मतलब नीति में हालत ख़राब होगी भाई। अरे यहाँ तो रोड के हालात ही चेंज लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अभी जो बारिश वारिश आई होगी उसमें हुआ होगा, क्योंकि अभी जब मैं द्रोणागिरी के लिए आया था तब तो सही थी। तो ये देखो हल्की हल्की बर्फ़ तो यहीं दिखने लग गई रोड के किनारे किनारे पड़े हुए, तो मुझे लगता है आगे जाके बर्फ़ दिखने ही लग जाएगी अच्छे से सही से। ये देखो यहाँ पे ये किनारे में पड़ी हुई है, आगे हालात थोड़ा ऐसे होंगे यार, कैसे होगी बर्फ़ में कैंपिंग। वो देखो उधर कितने बढ़िया से गांव लग रहे हैं, दो जगह से वो धुआं निकल रहा, आग जला रखी होगी, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। हरियाली वाले खेत हैं, उसी में मकान बने हैं। तो भाई देखो ये आने लग गए यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और चल रहे हैं हम अभी रोड से। अभी इससे आगे जाके तो और नज़ारा बदलने लग जाएगा। ओ यहाँ से नीचे को उतरेंगे हम, फिर पहाड़ और ऊंचे हो जाएंगे। तो यहाँ से नज़ारे बदलने लग गए हैं, पहाड़ आने लगे हैं खतरनाक खतरनाक वाले, और रोड की ऐसी तैसी भी हो रखी है बीच बीच में। ओके तो यहाँ पे ले रखा है एक छोटा सा ब्रेक, ऐसे ही थोड़ा चलते चलते थक गए थे और नज़ारा यहाँ पे अच्छा लग रहा था, तो इसी के लिए एक ब्रेक ले लिया था। बाकी देखो ये लगी हमारी बाइक, ये उधर दूसरी एक्सपल्स,
और वो उधर देखो एक ब्रिज दिख रहा है, सामने उसके एक मंदिर है जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है, मस्त सा, मतलब बीच में से आती हुई नदी और किनारे पे मंदिर, बीच में ब्रिज, बहुत अच्छा सा नज़ारा लग रहा है। यार इधर एक स्टॉप ले रखा है, यहाँ पे अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं एक, और उसके बाद बढ़ेंगे आगे को। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि रास्ते में चाय वगैरह पीने के लिए दुकान वगैरह है या नहीं, तो यहीं पे हम एक एक चाय ले ले रहे हैं और फिर बढ़ जाएंगे आगे को। देखो यहाँ पे ये कुछ है बैठने का और कुछ इस तरीके से बना रखा है यहाँ पे बैठने के लिए, और एक ये डॉगी सोया हुआ आराम से मज़े कर रहा है। यहाँ पे पी अभी हमने चाय और अब बढ़ेंगे आगे को। मलारी 31 रही है 31। तो आगे ये एक ब्रिज आया है, 1 व्हीकल एट अ टाइम, वो बड़ी गाड़ियों के लिए लिखा है, ट्रक वगैरह। तो ये आया है एक ऑफ रोड पैच, छोटे छोटे से पैच आ रहे हैं इसे, बाकी रोड सही है। ओ ये देखो पहाड़, ये पिछले बार जब मैं आया था सारे हरे हो रखे थे, इस समय सब लाल हो गए हैं, ब्राउन से, घास सूख गई है ना उसकी। ये देखो पहाड़, इसके नीचे से जा रहे हैं हम। ये के सामने गांव आया है चुम्मा। ओ बर्फ, यहाँ देखो फिर से बर्फ दिख गई। जुम्मा के बाद जो है आ जाएगा द्रोणागिरी को जाने वाला रास्ता। ये आ गया जुम्मा विलेज, अचानक ढाबा, यहाँ भी अचानक ढाबा है। ओ, 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 ओ। टेम्प्ररी ब्रिज है ये, कुछ हुआ होगा यहाँ तो चला गया होगा पुराना ब्रिज, इसलिए जुगाड़बाजी बना रखी है फिलहाल। ये देखो यहाँ पे से था पुराना ब्रिज, ये देखो यहाँ से वो वहाँ पे जुड़ा हुआ था। ये मेरे ख्याल से कोई आपदा वगैरह आई होगी तो उसमें चला गया होगा। मलारी 17। भाई पत्थर बहुत गिर रखे हैं यार रोड में, मतलब यहाँ से ऊपर से गिरते रहते होंगे यहाँ पे। बाकी ये जो ब्रिज है ये चले जाता है द्रोणागिरी गांव के लिए, मतलब आगे जाके हमें बाइक लगानी पड़ती है और फिर पैदल पैदल जाते हैं हम द्रोणागिरी पर्वत। तो ये आ गया है द्रोणागिरी व्यू पॉइंट, 2 मिनट का स्टॉप यहाँ पे भी रहेगा। ए द्रोणागिरी पर्वत देखो, जब मैं आया था द्रोणागिरी गाँव के लिए उस समय यहाँ पे मिट गया था ये, अभी ये सही से पूरा लगा दिया है। वो उधर दिख रहा है द्रोणागिरी पर्वत और नीचे बह रही है नदी। तो देखो इधर लगी हुई है हमारी बाइकें और द्रोणागिरी व्यू पॉइंट लेने के लिए ये इधर पे एक छज्जा जैसा बना रखा है। द्रोणागिरी पर्वत, लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायण। वो रहा उधर द्रोणागिरी व्यू। तो बस 5 मिनट यहाँ पे रुकते हैं और फिर बढ़ जाएंगे आगे के लिए, मलारी के लिए या नीति के लिए। आज देखते हैं, अभी हमारा प्रोग्राम कुछ हो रहा है इधर उधर, मतलब आज ही हम कैंपिंग भी कर सकते हैं मलारी के आसपास, और हो सकता है कल नीति जाएं या फिर आज ही नीति चले जाएं। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो अभी आगे पता चलेगा। तो ये बढ़ने लगे हम द्रोणागिरी व्यू पॉइंट से आगे को। अभी एक यहाँ से पिकअप वाले भैया गए थे तो बता रहे थे नीति में तो कोई नहीं है, नीति तो बंद पड़ा है इस समय, गमशाली पे शायद हमें मिल जाए स्टॉप, वहाँ पे कुछ एक दो लोग हैं बता रहे थे। देखा क्या? अरे अच्छा ये है यार। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ आई बैग्स दिखे हैं,
यहाँ से बर्फ़ आने लग गई, देखो ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। अब आगे पता नहीं कैसी स्थिति होगी। तभी यहाँ पे ये एक और ब्रिज का काम चल रहा है। ये आया है एक बड़ा सा ब्रिज। ओ ब्रिज के ऊपर भी हल्की हल्की सफेदी देख रहे हो, ये बर्फ जमी हुई है सब। अरे आ गई आगे से बर्फ यार। अब यहाँ कहीं फिसल विसल ना रही हो। अरे भाई 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 भाई, जमी तो है अच्छी खासी फिसलने वाली। बहुत धीमे धीमे स्थिति विकट हो रही है। यहाँ तक तो मतलब सही है, पर मेरे ख्याल से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर बर्फ़ भी बढ़ती जाएगी। मलारी रह गया 7 किलोमीटर। अरे भाई भाई भाई, अभी फिसल रही थी। हो जस्ट अभी यहीं से पीछे आर्मी का चेक पोस्ट था, वहाँ पे हमारा नाम नंबर बाइक का नंबर सब नोट किया गया। इसके अलावा हमारे आधार कार्ड भी वहीं पे जमा कराए गए हैं, जो कि हमें वापसी में मिलेंगे। और वही बता रहे थे कि आप नीति नहीं जा पाओगे क्योंकि आगे रास्ते में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग है, बड़ी गाड़ियाँ भी वापस आ गई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मलारी जा पाएँ और मलारी में कैंपिंग करके कल वापस आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। भाई इधर को भी हालात ख़राब हैं थोड़ा, बस भदम से गिरे ना यार, वो अचानक फिसलती है पता नहीं चलता और धड़ करके गिर जाते हैं ना, लग जाती है चोट। अरे सर पता है वो आप बहुत क्रेजी लोग हो, इतना इसमें अभी कहाँ तक जाओगे? हम वैसे तो नीति के लिए आए थे, पर ये इधर बता रहे हैं कि नीति के लिए तो बंद है रास्ता। सर देखो मैं भी यहाँ पे मलारी अपर मलारी में रहता हूं, मैं मौसम विभाग में कार्यरत हूं। हां तो जरा रिस्की हो सकता है। हां यदि स्टे करना तो हम आपको यहां पे कमरा दिला देंगे। अच्छा नहीं चाहे तो, और वापसी में ज्यादा लेट तो कभी मत करना, आप लोग तो वैसे भी ब्लॉगर लग रहे हैं। एक्चुअली हम कैंपिंग वगैरह का देख रहे थे। अच्छा यहीं मलारी में? हां वो देखते हैं कैसा होता है, देख लीजिएगा। नहीं तो वो जो सामने वो मकान दिख रहा है ना, हाँ हाँ ग्रीन सा, हाँ हाँ उसके ऊपर मैं तो ड्यूटी पे चला जाऊंगा। हाँ वो बंदा आपको खाना खिलाएगा, गरम गरम आग भी जलाएगा। हाँ हाँ और वो नीचे कमरे में आपको व्यवस्था कर देगा। ठीक है, अगर हमारे बाई चांस कैंपिंग का मन नहीं किया तो इधर आ जाएंगे फिर। हाँ मुझे तो लग रहा है ज्यादा ठंड में, फिर भी मैं बहुत क्रेजी मानता हूँ, यहाँ पैदल जाने में दिक्कत हो जाती है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली हल्द्वानी। हाँ तो ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ उसका नाम पप्पू है। हाँ चलो मैं चल रहा हूँ। ठीक है ठीक, वहाँ पे बल्कि बंदे बैठे हुए दुकान, उसका आपको गर्म खाना आग जलाएगा शाम को। हाँ तो आपको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ओके जी, ये पहुँच गए हैं हम मलारी और यहाँ पे भी ज्यादा लोग नहीं है, कुछ ही लोग होंगे। ओके तो टाइम हो रहा है अभी शाम का 4 और अभी हम हैं मलारी में और हम पहुंच गए थे यहाँ पे 3 बजे और 3 बजे आके फिर हमने यहीं पे स्टे ले लिया था। बाकी फ़िलहाल ये है हमारा होटल और रूम हमारा ये नीचे है रोड से, देखो रोड है ये ऊपर और रूम है हमारे यहाँ नीचे। बाकी व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है एकदम। और ये व्यू हमारे रूम के ठीक बाहर का है, रूम कुछ इस तरह का है। बाकी निशांत भाई यहाँ पे हीटर के आगे बैठे हैं और अभी हमारा ब्रेड मक्खन और चाय बनाते हैं और कुछ थोड़ा खाना वगैरह करते हैं क्योंकि हमने दिन में लंच नहीं किया था। तो जी टाइम हो गया शाम का 5:30।
और फिलहाल अभी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है, ये यह हैं यहाँ से सीढ़ियाँ, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और रोड में पहुँच जाते हैं। बाकी ये रही हमारी बाइक। तो देखो ये हमारी रोटी और साथ में अंडा करी, बाकी इधर रहा सलाद, अभी चावल उधर ही रखा हुआ है पैक्ड, तो खाते हैं और इसके बाद फिर सोने की तैयारी करते हैं।